सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले वासियों को हेलमेट पहनाने में पलामू पुलिस हद तक सफल दिख रही है। हालांकि पलामू जिले में जिलेवासियों के हेलमेट पहनाने का सपना जिले के पूर्व कई पुलिस कप्तानों ने देखा था, परंतु वे किसी न किसी कारणवश सफल नहीं हो सके। परंतु वर्तमान पुलिस अधीक्षक का हेलमेट पहनाओ अभियान कुछ हद तक सफल दिख रहा है, या यूं कहे कि बहुत हद तक सफल दिख रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मेदिनीनगर में 100 में से 90 से ऊपर चालक हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। साथ ही कार चलाने वाले चालक सीट बेल्ट लगाकर चलाते दिख रहे हैं। इसे यातायात प्रभारी जहां गदगद है, वहीं वे इसका श्रेय अपने पुलिस कप्तान और अपने सहकर्मियों को दे रहे हैं। सफलता तो है, 100 में अभी हम 98 समझ रहे हैं। आज हम मतलब करीब आज 10-15 बजे से यहाँ हैं और अपने पूरे जवानों के साथ यहाँ दम चेकिंग भी लगाए हुए हैं। गाड़ी का कुछ कागजात पत्र भी सबको देखे हैं, जिसका कुछ कागजात ख़राब था, जैसे इंश्योरेंस नहीं था तो उसको हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं। उसको हम लोग बोल रहे हैं कि अब ऑफिस खुलने वाला है, तुम इंश्योरेंस भी सब करवा लो। इंश्योरेंस का ऑफिस ऐसे खुला हुआ है, कुछ को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उन लोगों को बोलें कि सब तो अपना लोग कागज़ तुम लोग कंप्लीट अब करवा लो, अब जो है से अब चलने वाला नहीं है। दूसरी बात कि आज हम लोग इतना दिन से आज चेक इन कर रहे हैं, तो हम लोग का सबसे फोकस हेलमेट पर था और आज लग रहा है कि 100 में 98 गाड़ी यानी टू व्हीलर मतलब हेलमेट पहन लिए हैं। और मतलब एक घंटा के चेक इन में 2-3 गाड़ी बिना हेमलेट का आई है, जिसको हम लोग समझाए हैं कि बाबू उसको वापस कर दिए कि तुम हेमलेट लेके आओ घर से, चाहे अगर तुम मार्केट गए हो तो मार्केट से उधर से खरीद लो। हम लोग को उस सबको समझाए हैं। मतलब और आपको लगता है कि ये सफलता किस चीज़ के उद्देश्य से इतना दिनों से चेक इन कर रही है, वो सफलता मिल गई? हाँ, अब तो लग रहा है कि लोगों में जागरूक हो गए हैं कि अब जो है हेलमेट पहनने के चलने में हम लोग को भलाई है और ये हेलमेट हम लोग मेरे ही सुरक्षा के लिए है। और सबसे पहली बात आज ये भी देखने को मिला कि जो ट्रिपल राइडिंग जो चलते थे, आज ट्रिपल राइडिंग नहीं के बराबर था और आज 4-व्हीलर में भी लोग आज सीट बेल्ट लगा के चल रहे थे। जो भी आगे बैठे हुए तो सीट बेल्ट लगा के चल रहे थे, ड्राइवर प्लस जो आगे आगे बैठ रहे थे। लोगों में जागरूकता आ गई? हाँ, लग तो रहा है कि न्यू पलामू हो गया। ये तो हम मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम न्यू पलामू हो गया। ये कमिश्नरी था, इस कमिश्नरी का हम लोग मतलब चाहते थे कि यहाँ एक नया ढंग का लुक रहे। आज अच्छा लग रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था देखने में अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे पलामू, बहुत लोगों ने ये सपना देखा था कि मतलब हेलमेट पहना देना है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं होता। हाँ, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब एकदम ये कहते थे कि किसी को एक हाथ नहीं मारना, हम लोग को समझाना है। ये चीज़ जो है उसी उन्हीं लोग के लिए हम लोगों को कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब IRB जवान भी मुझे दिए और जितने भी चेक पोस्ट अभी पलामू में हैं हमारा हैं, जैसे बैरिया, बिछोटा, चियाकी, छः मोहान, सदीक चौक हैं, जो है से विवेकानंद चौक जो है से सभी जगह पर एकदम साहब का एकदम निर्देश है कि आम पब्लिक के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है। दूसरी बात, अभी हम लोग जो चेक इन कर रहे हैं उसको कागजात देख रहे हैं, अगर उसका कागजात सही है तो छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लगता है कि अब जिसका कागजात नहीं हुआ गाड़ी नहीं चला रहा है, हम उन लोग इंतजार कर रहा है कि
डीटीओ साहब का ऑफिस खुल जाएगा तो हम अपना कागजात को बना के ही चलेंगे। हम लोग जितना लोग जागरूक हो गए हैं कि हम लोग अब मतलब पुलिस को बरगला के नहीं निकल सकते हैं, एक वो चीज़ ये भी है। और दूसरी बात है कि हमारा जितना भी मतलब हमारे जितना भी पुलिस ऑफिसर चेक पोस्ट पर हैं, चाहे जितना भी जवान हैं, एकदम चुस्ती और मुस्तैदी से ये ड्यूटी अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और हाँ, अब तो सफलता ही माना जाएगा कि हम लोग का तो मतलब जो हम लोग डीटीओ साहब के यहाँ जो प्रतिवेदन भेजते थे अब नहीं के बराबर जा रहा है। आखिर दिन भर हम लोग चेक इन कर रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब इन्हें को आर्थिक दंड मिले, हम लोग ये नहीं चाहते थे, लेकिन अब कुछ दिन आर्थिक दंड भी मिला और जो है से अब 100 में 99% माना जाए कि हेलमेट पहने हुए हैं। आप अभी हम खड़े हैं रेड़मा चौक पर। जैसा कि लगातार पलामू पुलिस हेलमेट चेकिंग के लिए एक अभियान चला रखा था पिछले कई महीनों से, लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था, पनिशमेंट भी दी जा रही थी, नोटिस भी थमाया जा रहा था, लेकिन यह सफल तभी हुआ जब आज जब आप किसी चौक पर खड़े हैं, देख लीजिए कि जितने भी गाड़ियां गुजर रही है लगभग 90% लोग हेलमेट पहन चुके हैं। वैसे तो पलामू में जिसकी भी एक अभियान जब भी चला, चाहे जिस पुलिस अधीक्षक ने यह अभियान चलाया, सबका सपना होता था कि पलामू के लोग हेलमेट पहने, लेकिन यह सफल नहीं हो पाता था कि पलामू नक्सल प्रभावित है, हेलमेट पहन के कोई नक्सली भी गुजर जाएगा तो पकड़ा नहीं पाएगा। लेकिन इस अभियान को इस सफलता दिलाने में यहाँ के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने एक पहल की और इस पहल पर कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया एक जो है इसमें इस अभियान में तेजी आई और लोग भी जागरूक हुए, हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो पनिशमेंट के डर से पहने, चाहे पुलिस के डर से पहने, चाहे अपनी सुरक्षा के डर से पहने। लेकिन पलामू पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक करती रही कि सुरक्षा के ख्याल से आप पहन करके हेलमेट घर से निकलिए, क्योंकि समाज के लिए तो आप एक व्यक्ति हैं लेकिन परिवार के लिए एक परिवार के लिए पूरा परिवार के जिम्मेवारी आप हैं। आपको अगर कुछ होता है तो एक पूरा परिवार जो है उस मुसीबतों के दौर से गुजरेगा। ऐसे में लगातार पलामू पुलिस लोगों को जागरूक की, पनिशमेंट भी दिया, लेकिन आज उसकी सफलता कह सकते हैं कि बहुत हद तक सफलता 90% से ज़्यादा तक सफलता पा गई पलामू पुलिस को मिल चुकी है हेलमेट के मामला में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है, मैं छौमुहान से लेकर के रेड़मा चौक तक आया और जितनी भी गाड़ियां गुनी एक दो छोड़ करके सभी जितने भी दो चकिया वाहन चला रहे थे तमाम लोगों ने हेलमेट पहन रखा था। यानी ये कह सकते हैं कि पलामू पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से अभी यातायात प्रभारी रुद्रानंद साहस ने कहा कि उनके तमाम जवान हर चेक पोस्ट पर मुस्तैद हैं, लगातार चेकिंग चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हेलमेट पहनने के प्रति लोगों को बतलाया भी जा रहा है कि आप हेलमेट पहनिए, तो कह सकते हैं कि हेलमेट पहनना एक नई पलामू की एक पलामू के लोगों ने एक नया अपना अति दिया पहचान दिया कि वो हेलमेट पहनेंगे, जागरूक हो चुके हैं। और हम तमाम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो लोग नहीं पहने हैं वो अभी पहन लें। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, रेड़मा चौक, मेदिनीनगर।